नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल रूपचंद टिकी जीएस गुरु में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों आज की जो हमारी टॉपिक रहेगी 2019 की महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ, यानी 2019 में जो नए नए कैबिनेट स्तर के मंत्री बने हैं दोस्तों, जो नए नए मंत्री बने हैं उन्हीं के बारे में दोस्तों हमारी चर्चाएँ रहेंगी। और बहुत इंपॉर्टेंट जो है दोस्तों ये टॉपिक है, तो देर ना करते हम लोग देखते हैं दोस्तों कि मोदी यानी मोदी की टीम में कौन कौन से किसको कौन कौन सा जो है विभाग दिया गया है। और नए नए विभाग, कुछ लोगों को दोस्तों वही विभाग दिया है जो पहले था उसको वही विभाग आज प्रेजेंट टाइम में भी दिया गया है। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं कि कौन कौन मंत्री को किस कौन कौन सा जो है विभाग दिया गया है। तो देर ना करते हो दोस्तों हम लोग देखते हैं 2019 के नए मंत्री, 2019 की नई नियुक्तियाँ। सबसे पहले दोस्तों हम लोग जानते हैं प्रधानमंत्री मोदी की टीम है, तो प्रधानमंत्री कौन बने, लोग जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17वीं लोकसभा में। दोस्तों इस समय हमारी कैसावीं लोकसभा है, 17वीं लोकसभा में प्रधानमंत्री कौन बने दूसरी बार, लगातार दूसरी बार, पहले भी मोदी थे आज भी मोदी, यानी प्रधानमंत्री कौन बने दोस्तों नरेंद्र मोदी, यानी 17वीं लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने। अब दोस्तों देखते हम लोग राजनाथ सिंह यानी रक्षा मंत्री कौन बने, तो रक्षा मंत्री कौन बने दोस्तों, रक्षा मंत्री बने राजनाथ सिंह, रा से रक्षा, रा से राज, तो रक्षा मंत्री कौन बने राजनाथ सिंह बने। दोस्तों राजनाथ सिंह पहले क्या थे, हम लोग जानते हैं दोस्तों कि राजनाथ सिंह पहले गृह मंत्री थे, इन्हें पहले गृह मंत्रालय दिया गया था, लेकिन अब की बात जो 2019 की नई सरकार बनी इसमें इनको लो है रक्षा मंत्री दिया गया है, अब ये रक्षा मंत्री हो गए हैं। पहले जो है दोस्तों रक्षा मंत्री कौन थे, निर्मला सीतारमण थी, लेकिन अब जो है उन्हें दूसरा विभाग वित्त विभाग दिया गया है, तो उनकी जगह पर राजनाथ सिंह को रक्षा विभाग दे दिया गया है, पहले गृह मंत्री थे राजनाथ सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तुम लोग दोस्तों कि गृह मंत्री किसे बनाया गया है। दोस्तों गृह मंत्री पहले थे राजनाथ सिंह, अब गृह मंत्री कौन, पहली बार जो है अमित शाह को जो है गृह मंत्री का पद दिया गया है। अमित शाह दोस्तों क्या है, भाजपा के क्या है, भाजपा के अध्यक्ष हैं और अध्यक्ष बने हैं इस समय भी, यानी पहले अमित शाह क्या थे, अमित शाह अध्यक्ष थे, तो इस समय इन्हें जो 2019 में कौन विभाग दिया गया है, गृह विभाग यानी गृह मंत्री का जो है विभाग दिया गया है दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों अगला विभाग यानी सड़क परिवहन सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग मंत्री कौन बने दोस्तों। ये दोस्तों इन सब जो मंत्री है ये सब जो है दोस्तों कैबिनेट स्तर के मंत्री है, यही सब दोस्तों परीक्षाओं में पूछा जाता है, पूछेगा कि सड़क परिवहन एवं सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग मंत्री कौन बने दोस्तों, कौन बने, नितिन गडकरी। और नितिन गडकरी दोस्तों पहले भी सड़क परिवहन मंत्री थे, ये चीज आप लोग समझ लीजिए। तो नितिन गडकरी को कौन सा विभाग दिया गया है, सड़क परिवहन सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्री का दर्जा दिया गया है। अगला देखते हैं दोस्तों कि रसायन एवं उर्वरक मंत्री कौन बने। तो रसायन एवं उर्वरक मंत्री कौन बने दोस्तों, सदानंद गौड़ा को जो है रसायन एवं उर्वरक मंत्री का विभाग दिया गया है। अगला देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट है कि वित्त मंत्री और कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्री को दर्जा किसे दिया गया है दोस्तों, तो निर्मला सीतारमण को। अभी इसके पहले हम दोस्तों चर्चा किए थे कि निर्मला सीतारमण इसके पहले क्या थी, रक्षा मंत्री थी, लेकिन इस समय प्रेजेंट टाइम में इन्हें जो है वित्त मंत्री का जो है पद दिया गया है, वित्त मंत्री और कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्री, क्योंकि दोस्तों एक व्यक्ति एक से अधिक विभाग भी ले सकता है, तो निर्मला सीतारमण क्या बनी है, वित्त मंत्री, यही पूछेगा कि वित्त मंत्री इसमें प्रेजेंट टाइम में कौन है, निर्मला सीतारमण। पहले क्या थी निर्मला सीतारमण दोस्तों, पहले रक्षा मंत्री थी, तो इतनी जानकारी हम लोग को मालूम रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों विदेश मंत्री कौन बने दोस्तों, एस जयशंकर प्रसाद, ये दोस्तों पूर्व विदेश, पहले विदेश सचिव थे, अब जो है ये जो है दोस्तों एक अधिकारी पद पे पहले थे, एस जयशंकर प्रसाद, इस समय इन्हें प्रेजेंट टाइम विदेश मंत्री का जो है दिया गया है कार्यभार। पहले विदेश मंत्री कार्यभार किसे दिया गया दोस्तों, सुषमा स्वराज को। पहले विदेश मंत्री कौन थी, सुषमा स्वराज थी, लेकिन इस समय प्रेजेंट टाइम में एस जयशंकर प्रसाद, ये दोस्तों पूर्व विदेश सचिव रह चुके हैं और अधिकारी के पद पर ही रह चुके हैं, तो इतनी जानकारी हम लोग को रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री का विभाग किसे दिया गया दोस्तों, अर्जुन मुंडा को।
अर्जुन मुंडा को पहली बार जो है अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री का जो है विभाग दिया गया है, तो इतनी जानकारी हम लोग को मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि महिला एवं बाल विकास और कपड़ा मंत्री, महिला एवं बाल विकास और कपड़ा मंत्री किसे बनाया गया है, महिला एवं बाल विकास और कपड़ा मंत्री किसे बनाया गया दोस्तों, स्मृति ईरानी को, स्मृति ईरानी को जो है महिला एवं बाल विकास और कपड़ा मंत्री का दर्जा दिया गया है दोस्तों। ये दोस्तों राहुल के क्षेत्र अमेठी सांसद चुनाव लड़ी थी और जो है राहुल को हरा के जो है सांसद बनी है स्मृति ईरानी। तो स्मृति ईरानी जो है दोस्तों क्या है, इस समय महिला एवं बाल विकास और कपड़ा मंत्री जो है इन्हें दिया गया है। अगले मंत्री देखते हैं दोस्तों हम लोग स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विज्ञान और तकनीकी व पृथ्वी विज्ञान मंत्री कौन, किसे बनाया गया, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विज्ञान और तकनीकी व पृथ्वी विज्ञान मंत्री किसे बनाया गया दोस्तों, किसे बनाया गया है, डॉक्टर हर्षवर्धन, क्योंकि डॉक्टर पहले से इनका नाम आगे लगा है डॉक्टर, तो इन्हें कौन विभाग दिया गया है, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य देखेंगे भाई, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विज्ञान और तकनीकी व पृथ्वी विज्ञान मंत्री बनाया गया, किसे, डॉक्टर हर्षवर्धन को जो है। अगले मंत्री दोस्तों कि रेलवे, रेलवे मंत्री किसे बनाया गया है, रेलवे और रेलवे वाणिज्य और उद्योग मंत्री, रेलवे वाणिज्य और उद्योग मंत्री किसे बनाया गया दोस्तों, पीयूष गोयल को, पहले पीयूष गोयल को दोस्तों कोयला विभाग दिया गया था, लेकिन इस समय प्रेजेंट टाइम में इन्हें रेलवे वाणिज्य और उद्योग मंत्री जो है बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है धर्मेंद्र प्रधान, धर्मेंद्र प्रधान को जो है दोस्तों कौन सा विभाग दिया गया है, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम, पहले भी दोस्तों धर्मेंद्र प्रधान पेट्रोलियम मंत्री थे, पेट्रोलियम स्टील और प्राकृतिक गैस मंत्री कौन बने हैं दोस्तों, धर्मेंद्र, तो दोस्तों पेट्रोलियम मंत्री कौन है, पेट्रोलियम स्टील और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, पहले भी जो है इनको दोस्तों यही विभाग दिया गया धर्मेंद्र प्रधान को, है कि नहीं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मुख्तार अब्बास नकवी को कौन सा विभाग दिया गया है, अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री, पहले भी यही थे ये मंत्री, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कौन, किसे को, किसे बनाया गया दोस्तों, मुख्तार, मुख्तार अब्बास नकवी को जो है बनाया गया है। अगले देखते हैं दोस्तों संसदीय मामले और कोयला खनन मंत्री, संसदीय मामले और कोयला खनन मंत्री किसे बनाया गया है दोस्तों, संसदीय मामले और कोयला और खनन मंत्री किसे बनाया गया दोस्तों, प्रहलाद जोशी, प्रहलाद जोशी को जो है संसदीय मामले और कोयला और खनन मंत्री जो है बनाया गया है। अगले हैं मंत्री दोस्तों गजेंद्र सिंह गजेंद्र सिंह शेखावत, ये इंपॉर्टेंस है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों मोदी के कार्यकाल में, मोदी की सरकार में इस बार पहली बार ये नया विभाग जो है शामिल किया गया जिसका नाम है जल शक्ति मंत्री, जल शक्ति मंत्री कौन बने, दो विभाग दोस्तों मिलाकर जो है एक विभाग बनाया गया है जल शक्ति मंत्री, तो यह मंत्रालय जो है दोस्तों मोदी सरकार के इस कार्यकाल में सबसे क्या है, नया है, ये इम्पोर्टेंस है दोस्तों, आगामी परीक्षाओं में पूछ सकता है कि जल शक्ति मंत्री कौन बने दोस्तों, गजेंद्र सिंह शेखावत, गजेंद्र सिंह शेखावत को जो है जल शक्ति जो है मंत्री का दर्जा, विभाग का दर्जा दिया गया है, जल शक्ति मंत्री कौन बने दोस्तों, गजेंद्र सिंह शेखावत, तो ये आप लोगों को दोस्तों जानकारी रहनी चाहिए क्योंकि ये जो है पहली बार जो है शामिल किया गया ये विभाग। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि सामाजिक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कौन बने, अभी हाल ही में 2019 में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कौन बने दोस्तों, थावरचंद गहलोत, कौन बने, थावरचंद गहलोत जो है बने, क्या बने, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री, तो इतनी जानकारी उनको मालूम होनी चाहिए। अगले मंत्री देखते हैं दोस्तों कि भारी उद्योग, भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्री कौन बने, भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्री कौन बने दोस्तों, कौन बने, अरविंद सावंत, अरविंद सावंत को जो है भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्री बनाया गया है। आई नहीं मित्रों दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए थोड़ा लाइक कीजिए, थोड़ा शेयर कीजिए। देखते हैं दोस्तों कि पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री कौन बने, अभी हाल ही में ये सब दोस्तों क्या है, सब कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं, यही सब कुछ परीक्षाओं में जो है पूछा जाता है दोस्तों। पशुपालन, डेयरी, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री किसे बनाया गया दोस्तों, गिरिराज सिंह को, गिरिराज सिंह को, गिरिराज सिंह को पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री बनाया गया है।
अगले मंत्री है मित्रों कि कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री किसे बनाया गया। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री किसे बनाया गया दोस्तों, किसे बनाया गया, महेंद्र नाथ पांडे को। महेंद्र नाथ पांडे को कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय जो है दिया गया है। अगला दोस्तों है हमारा अगला विभाग जो है उपभोक्ता मामले। उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री किसे बनाया गया दोस्तों। उपभोक्ता मामले एवं खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्री किसे बनाया गया है, किसे बनाया गया दोस्तों, राम विलास पासवान। राम विलास पासवान क्या बने हैं, उपभोक्ता मामले एवं खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री जो है बनाया गया है दोस्तों इनको। अगले मंत्री दोस्तों कि रविशंकर प्रसाद को कौन से विभाग दिया गया दोस्तों, कानून एवं न्याय, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री बनाया गया है दोस्तों। किसे, रविशंकर प्रसाद को। रविशंकर प्रसाद पहले भी दोस्तों कानून एवं न्याय संचार मंत्री थे, तो इतनी जानकारी हम लोग को मालूम रहना चाहिए, है नहीं। रविशंकर प्रसाद क्या बनाएंगे दोस्तों, यही पूछेगा, इतना नहीं पूछेगा दोस्तों, यही पूछेगा कानून मंत्री कौन है, कानून एवं न्याय संचार मंत्री कौन है दोस्तों, रविशंकर प्रसाद। पहले भी ये दोस्तों इनको विभाग दिया गया था रविशंकर प्रसाद को, तो रविशंकर प्रसाद से इतनी जानकारी हमको रहनी चाहिए दोस्तों। कानून एवं न्याय संचार मंत्री एवं इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन बने दोस्तों, रविशंकर प्रसाद। अगले मंत्री देखते हैं दोस्तों हम लोग, पर्यावरण जलवायु परिवर्तन सूचना एवं प्रसारण मंत्री किसे बनाया गया है दोस्तों। पर्यावरण पासे, पर्यावरण पासे प्रकाश जावड़ेकर, ऐसे ट्रिक बना लेंगे दोस्तों, पासे पर्यावरण पासे पासे प्रकाश जावड़ेकर। प्रकाश जावड़ेकर कौन सा विभाग दिया गया दोस्तों, पर्यावरण जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन सूचना एवं प्रसारण मंत्री, पासे प्रसारण पासे प्रकाश, ये देखो प्रा प्रा प्रा, तो पर्यावरण जलवायु परिवर्तन सूचना एवं प्रसारण मंत्री किसे बनाया गया है दोस्तों, प्रकाश जावड़ेकर को। ये तो ट्रिक आ गई तो याद ही हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री का दर्जा किसे दिया गया है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री का दर्जा किसे दिया गया है दोस्तों, किसे दिया गया है, हरसिमरत कौर बादल, ये महिला है दोस्तों, हरसिमरत कौर बादल, ये जो है इनको जो है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री बनाया गया है। अगले मंत्री देखते हैं दोस्तों हम लोग कि मानव संसाधन एवं विकास मंत्री किसे बनाया गया है। मानव मानव संसाधन एवं विकास मंत्री किसे बनाया गया है दोस्तों, किसे बनाया गया है, रमेश पोखरियाल। रमेश पोखरियाल को जो है मानव संसाधन एवं विकास मंत्री दोस्तों बनाया गया है। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि रमेश पोखरियाल उत्तराखंड के सीएम भी रह चुके हैं, यानी उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री थे, अब जो है उन्हें केंद्रीय विभाग में मानव संसाधन एवं विकास मंत्री का दर्जा दिया गया है। किसे, रमेश पोखरियाल को। तो दोस्तों इसी प्रकार से जो हमारे खास खास मंत्री की हम लोग चर्चाएं किए। अगर वीडियो दोस्तों आपको पसंद हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों जो बेल आइकन की घंटी है उसको दबा दीजिए, ताकि हम ऐसे वीडियो बनाए तो आपको सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। कोई चार्ज नहीं दोस्तों, कोई पैसा आपका नहीं कटेगा। तो दोस्तों इसी प्रकार से हमारा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।